हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आप सबने थंबनेल देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं आज हाउ टू इंक्रीज 5 to 6% इन एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट, हम कुछ डिफरेंट टाइप के आज बात करेंगे जिसके अंदर क्या है, आप अगर उसे फॉलो करेंगे तो 5 से 6% आपके एग्जाम में इंक्रीज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं रिविजन की। तो स्टूडेंट, जो रिविजन होता है वो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बनता है। बिकॉज होता क्या स्टूडेंट, आप पुराने जो सभी चैप्टर्स वगैरह इसे पढ़ रखी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसे अगर रिवाइज नहीं करते तो उसे भूल जाते हैं और एग्जाम में क्या होता है, वो क्लिक नहीं हो पाता है। तो आप क्या करिए, जो आपने अभी तक कर रखा है उसी को आप बार बार क्या है रिवाइज करिए। जैसे एग्जाम के बीच में जो छुट्टी वगैरह आती है, जैसे कि 2 या 3 दिन का आपको टाइम मिलता है दो पेपर के बीच में, तो क्या करिए आप उसे बार बार रिवाइज करते जाइए, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। सेकेंड स्टूडेंट, सोल्व फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो स्टूडेंट, आप फुल लेंथ जो हमारा टेस्ट होता है, मीन्स जो 3 आवर का हमारा पेपर, या तो प्रीवियस ईयर का पेपर हो सकता है या वो हो सकता है स्टूडेंट हमारा कोई सैंपल पेपर, तो आप उसे 3 घंटे टाइम लगा के करिए और वो उसी टाइम में करिए जब आपका पेपर है। जैसे आपका पेपर 11 बजे से 2 बजे तक है, तो आप दिन में वही टाइम लगाइए, उसी टाइम में 3 घंटे के अंदर अंदर करिए, ताकि आपका इसमें क्या होगा, इसे दो चीज का फायदा होगा। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट में क्लियर होगा कि कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है और कैसे उसको परफॉर्म करना है स्टूडेंट, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट आपका इसके अंदर फायदा, कि आप जैसे 11 से 2 के बीच में वो लगाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, नाइट में जगते हैं और दिन में क्या है वो सोते हैं, तो होता क्या है वहां पर जाते हैं तो फिर वो उस 100% अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पाते, वो 100% एफिशिएंसी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर उसी टाइम में लगाना है, ताकि क्या है वहां पर हम अपना 100% दे पाए। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्या है यहाँ पर, कि आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे जमा के चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको जमा के चलना है एग्जाम में, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना और कैसे पेपर सोल्व करना है, वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टूडेंट अगर हम लास्ट चीज की बात करें यहाँ पर, तो अवॉइड डिप्रेशन। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट क्या आते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमने से इतना पढ़ लिया है, या हमें डर लग रहा है, मेरे पास मैसेजेस वगैरह है, कॉल वगैरह आ रहे हैं कि सर हमने इतना पढ़ लिया फिर भी हमें डर लग रहा है, क्वेश्चंस वगैरह हो नहीं पा रहे हैं या क्वेश्चन कम हो पा रहे हैं। तो स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको तो डर लगता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा साल भर तो उसको क्या डर लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, तो इसमें आपको डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं आना है कि हम ये नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है और आप बस उसे बार बार रिवाइज करते जाइए, क्योंकि आप क्या भूल रहे हैं बार बार, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप बार बार उसको क्या है रिवाइज करते जाइए, जो आपने चैप्टर पढ़ लिया उसको अच्छे से करिए, क्योंकि जो आपका 5% है वो आप छोड़िए, बाकी 95% जो आपने कवर कर लिया है उसको आप बार बार रिवाइज करिए, उसे इतना आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बन सके। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हमने 4 चीजों की आज बात की, तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम में 5 to 6% बिल्कुल यहाँ से इंक्रीज होंगे। और स्टूडेंट अगर आप रिविजन करना है, तो रिविजन सीरीज मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टूडेंट आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आप अच्छे से परफॉर्म करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आप टेंशन लेते हैं तो हम और ज्यादा घबरा जाते हैं, वहां पर फिर 100% अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पाते, तो आप 100% वहां पर एफिशिएंसी दीजिए, डरिए मत, टेंशन ना लीजिए, आपका 100% आप वहां पर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट अगेन।